तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग में कीवर्ड्स को। 5 से 6 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा, एक एग्जांपल लेते हैं जिससे इसको रिलेट कर सके। मान लीजिए आज हम 1 घंटे 2 घंटे से मोबाइल चला रहे हैं, मम्मी ने हमसे कोई काम बोला, हम भूल गए और हम अपना मोबाइल चलाने में व्यस्त हैं। तो थोड़ा टाइम और बीत जाता है, फिर एक साउंड आता है आपके नाम का। उसमें आपको समझ जाना होता है कि मम्मी क्या कहना चाह रही है, मोबाइल रखो काम करो नहीं तो आज आप गए काम से। तो मान लीजिए मैं मोबाइल चला रहा हूँ, मैंने काम नहीं ध्यान दिया, उन्होंने कहा एकांत, बस उनके इस वर्ड का पूरा मतलब समझ में आ गया कि इस वर्ड का क्या मतलब है। काम नहीं हुआ तो क्या फंक्शन होगा, लड़ाई भी हो सकती है, मार कुटाई भी हो सकती है, हमारी सब हो सकता है। बस इसी तरीके से कीवर्ड्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। कहने को तो ये 32 छोटे छोटे वर्ड्स हैं, लेकिन इन वर्ड्स के पीछे एक अपना ही अलग इंटेंशन, एक मोटिव, एक परफॉर्म करने वाला काम छुपा हुआ है जिसको ये कहना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में वही कवर करके बताऊंगा। तो कीवर्ड्स आर द वर्ड्स हुज मीनिंग हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन टू द सी कंपाइलर। सबसे पहली बात की जैसे मान लीजिए हम लोग के वेरिएबल्स होते हैं, एक मेरा वेरिएबल है मान लीजिए x, उसके अंदर मैंने वैल्यू 5 स्टोर करा रखी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने 5 स्टोर करा रखी है, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये स्टोर वैल्यू जो है वो 5 है, कि इसको हम 5.0 लिख ले या फिर इसको हम कैरेक्टर 5 मान ले, ये कैसे पता चलेगा? तो ये ऐसे पता चलेगा अगर ये वैल्यू हिडन है कि x के पहले क्या लगा है। मान लीजिए अगर कीवर्ड्स का इंटीजर लगा हुआ है, एक तरीके से इंटीजर लगा हुआ है, तो वैल्यू क्या होगी? 5 होगी, क्योंकि इंटीजर कैटेगरी में है। अगर फ्लोट लगा हुआ है या फिर डबल लगा हुआ है तो क्या होगी? 5.0 होगी। फ्लोट आपका यहीं कहीं पे होगा, ये रहा फ्लोट, ठीक है। अगर यहाँ पे कैर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? कैर, तो इस ब्रैकेट में 5 वैल्यू होगी। मतलब कीवर्ड जो है वो वेरिएबल को भी एक्सप्लेन करता है, लेकिन हर बार नहीं एक्सप्लेन करे, कई बार कीवर्ड्स के अलग अलग मतलब होते हैं। जैसे कि आपका फॉर कीवर्ड है, ये लूप चलाने में काम आता है। आप आगे जाएंगे तो आपको चलाना है, तो फॉर इज इक्वल टू इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, उसके बाद आई इज लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस, इस तरीके से लूप्स जो है वो चलते हैं, ये भी फॉर लूप के थ्रू चलते हैं। ऐसे ही इफ एल्स में आता है कंडीशंस को प्रिटेंड करना। मतलब मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि कीवर्ड्स जो है उनके अलग अलग टास्क होते हैं, अलग अलग चीज़ों को वो परफॉर्म करते हैं। और कभी भी एक कीवर्ड के नाम से आप वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। देखिए जैसे मान लीजिए अगर केस नाम का कीवर्ड है, तो कभी भी आप केस नाम का वेरिएबल नहीं ले सकते कि उसके अंदर आप 5 वैल्यू इंसर्ट करा दें या कोई चीज इंसर्ट करा दें या फिर आप मान लीजिए नेम स्टोर करा दें, वो नहीं कर सकते, क्योंकि इससे क्या होगा, वेरिएबल और कीवर्ड के बीच में एक तरीके से कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, और वो जो कंफ्यूजन होगा वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि कंपाइलर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक तो ऊपर से अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो वो समझ नहीं पाएगा कि यहाँ पे वेरिएबल की तरह काम करना है या फिर यहाँ पे काम करना है कीवर्ड की तरह, जो कीवर्ड का मतलब है उसकी तरह। तो इसलिए हम लोग नहीं करते हैं। साथ ही साथ 32 कीवर्ड सारे सी कंपाइलर्स जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, जो आपके सामने हैं: ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइन, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप, डेफ, यूनियन, अनसाइंड, वॉइड, वोलेटाइल, वाइल। साथ ही साथ इन 32 के अलावा भी कुछ कीवर्ड्स और होते हैं, लेकिन वो सारे कंपाइलर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो मेन माइक्रोसॉफ्ट और एस और जो दूसरी कंपनियां होती हैं उनके कंपाइलर्स में होते हैं, जैसे नियर, फार, एएसएम एटसेट्रा, इनको यूज़ नहीं किया जाता है नॉर्मल, लेकिन अगर इसको वो लोग यूज़ करते हैं तो उसके 2 नीचे अंडरस्कोर लगा के यूज़ करते हैं। ये एनसी के द्वारा, ANSI के द्वारा कहा गया था, इसी तरीके से यूज़ किया जाता है। पर कई सारे वेंडर्स जो हैं इस रूल को फॉलो नहीं भी करते हैं आजकल। तो कीवर्ड्स का बेसिक इतना मतलब है कि एक वर्ड होता है उसके पीछे एक फंक्शन होता है। मान लीजिए अगर आपको कोई चीज़ प्रिंट करानी है, अगर मैं कीवर्ड का इस्तेमाल करके बताता हूँ कि आपको इफ़ कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, तो मान लीजिए इफ़ कीवर्ड का इस्तेमाल किया और आपके पास एक नंबर है इंटीजर आई, अगर वो बराबर है 5 के, मतलब क्या है, अगर जो आपने आई ले रखा था अंदर वो 5 के बराबर है, तो प्रिंट कर दो सक्सेस। तो अगर ये बराबर होगा
इसके तो प्रिंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मतलब इफ का काम क्या है, कंडीशंस को रिलेट कराना है एक तरीके से, फॉर का काम लूप को चलाना है, और भी कई सारे होते हैं। जैसे गो टू होता है एक, वो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए वर्क करता है। ये सब चीजें मैं आगे कवर करूंगा जब मैं वीडियोस और एक्सटेंड में बनाऊंगा। तो आज के लिए आपको कीवर्ड थोड़ा समझ में आया होगा कि इसका मतलब क्या होता है और कितने कीवर्ड्स होते हैं। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। बाकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस पड़े हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं। मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल, AKANT 360। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।